बीते दिनों फातिमा हॉस्पिटल के पीछे महिला से चैन स्नैचिंग कर ली गई थी। उक्त मामले को देखते हुए मऊ पुलिस जहां सतर्क हो गई और मामले की छानबीन करना शुरू कर दी थी। इस बीच थाना सरायरखंसी अंतर्गत पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उक्त छिनेती में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से असलहा सहित तमाम अन्य नकदी भी बरामद हुए हैं। क्या नाम है आपका? सोनी चौधरी। क्या घटना हुआ आपके साथ? मैं दवा लेकर फातिमा से आ रही थी, रास्ते में दो बाइक सवार मेरे साथ वो पवन अड्डी वाले की गली सुनसान बेसिक शिक्षा कार्यालय के पीछे मेरे साथ वो एक बाइक चला रहा था, पीछे एक बाइक पे बैठा था, चैन छीन कर भाग गए सब। दो लोग थे। अच्छा, कोई पुलिस बचाव नहीं किया? नहीं, पुलिस मौके पर आई थी। हाँ, मौके पर पुलिस आई। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस कर रही है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके बता देंगे। और थाने पर भी आई हुई हैं आप? हाँ, हम आए हैं थाने पे आज, आज दूसरा दिन है। पुलिस उससे क्या कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई ये तो बोल रहे हैं सर कि हम आपको शाम तक ले सूचना दे देंगे। शाम तक पकड़े जाएंगे? हाँ, शाम तक पकड़े जाएंगे। चैन कितने की थी आपकी? 1,20,000। तारीख को ही मिलिया फातिमा हॉस्पिटल के पास से एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। गली में जा रही थी अपने घर तो उसके गले से चेन खींच लिया था दो बाइक सवार लोगों से। जैसे कि उसने सूचना दिया था तो उसने पुलिस ने सरायरखंसी पुलिस ने कार्रवाई की है। उसमें कुल चार लोग पकड़े गए हैं, तीन लुटेरे पकड़े गए हैं, प्रिंस यादव, प्रिंस गुप्ता और एक प्रद्युम्न चौहान, और जो एक प्रिंस वर्मा जो है शिवम वर्मा उर्फ रजत वर्मा, ये सुनार है जो उन्होंने चेन खींच के और इनको बेचा था, वो भी पकड़े गए हैं। चेन रिकवर हुई है, जो पैसा उन्होंने दिया था वो भी रिकवर हुआ है, और अवैध शस्त्र भी इन अपराधियों के पास से रिकवर हुआ है। इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है कुछ लोगों का इसमें, बाकी और चीज़ें पता की जा रही हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये गाजीपुर के रहने वाले हैं तो अंतर्गत निश्चित रूप से अंतर्जनपदीय है, और थानों को भी मैसेज किया जा रहा है कि अगर इन कहीं शामिल रहे हों तो इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करें। देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर।